मौजूद हैं तेजिंदर पाल बग्गा जी, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं हरिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। सर वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। सर पहली क्वेश्चन आपसे ये कि सर कितनी उम्मीद है, क्या जनता का माहौल है, आप बूथ बूथ जाके देख रहे हैं, व्हाट इज द पब्लिक व्यू, प्लीज टेल अस। बहुत से ऐसे बूथ हैं जहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टेबल तक नहीं लगी है। हरिनगर विधानसभा अपना मन बना चुकी है। अमित शाह जी का जो रोड शो हुआ उसमें इस प्रकार लगा कि जैसे पूरा हरिनगर ही सड़कों पर आ गया है। तो ये हरिनगर की जनता का मूड बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतों से अगर कोई विधानसभा जीतेगी तो हरिनगर विधानसभा जीतेगी, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। सर दूसरा क्वेश्चन ये, जैसे कि हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकालती है, इस बार आपने एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर अपना एक मैनिफेस्टो निकाला हरिनगर के लिए, क्या क्या वादे हैं उस मैनिफेस्टो में और का क्या हद तक? कई सारे वादे हैं बताइए, लेकिन सबसे पहले दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन की है। हमने ये कहा है स्मॉग टावर लगाएंगे जिससे पॉल्यूशन दिल्ली में ख़त्म होगा, हमारी विधानसभा में ख़त्म होगा, वो वादा है। दूसरा हमने कहा है कि मोदी जी का एक सपना है स्वच्छ भारत का, तो हम इसमें जो क्या कहते हैं जितना भी कूड़ा है उसके कंपोस्ट में लगाएंगे और उसको खाद में कन्वर्ट करते देश के किसानों को दी जाएगी। तीसरा महिला सुरक्षा के समय दिल्ली ही नहीं देश के लिए चिंता का विषय है, तो ये हमने तय किया है कि अपने विधानसभा के तीनों वार्ड के अंदर एक एक फ्री सर्विस कोचिंग सेंटर पहलों के लिए खोल सकते हैं। सीधा ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्टो के अंदर है। सर एक सवाल और है कि जैसे हरिनगर एरिया हो गया या तिलक नगर जो आसपास का कॉरस्पॉन्डिंग एरिया है, इट इज़ अ वेरी सिख डोमिनेटेड एरिया, और अभी टाइम आया है जो मोदी जी ने SIT सेटअप करवाया है 1984 एंटी सिख राइट्स के लिए, जो इतने सालों से जिस इंसाफ की उम्मीद थी उस पर आपका क्या विषय है और आपकी तरफ से क्या उसमें कुछ योगदान है या क्या आप करेंगे इसके बारे में बताएं? देखिए मोदी जी ने जो सिखों के लिए किया है, मुझे नहीं लगता 70 साल 75 साल की अगर जितनी भी सरकारें हैं उन सबको टोटल कर लो और मोदी जी को एक साइड कर लो तो पलड़ा मोदी जी का ही भारी होगा। चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की बात हो, चाहे वो काली सूची से बाहर करने की बात हो, चाहे वो संजय कुमार को जेल भेजने की बात हो, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुपुरब पे 100 करोड़ रुपये की धनराशि दे के पूरे देश और दुनिया में इसको धूमधाम से मनाने की बात हो, चाहे गुरु नानक देव जी के जो जन्मोत्सव पे 550 साल पे ये हो कि जितनी भी उनकी कुर्बानी है दुनिया की हर लिपि में कन्वर्ट करके भेजी जाएगी, ये मुझे लगता है इससे बड़ा कोई उपहार उनके लिए हुआ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू INS सर। थैंक यू सर।